मैं जलपरी या मत्स्य कन्या किसी भी नाम से पुकार ले, आज ही हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह की तरह खड़ी है। या यूं कहे तो इसका वजूद है या नहीं, ये आज एक सवाल बनकर रह गया है। अगर हम YouTube पर मौजूद कई वीडियो पर नजर डालें, तो ये हमें इनके वजूद को ना मानते हुए भी सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या वाकई इनका अस्तित्व है? गौरतलब है कि इन जलपरी का जिक्र हमें हर देश की पौराणिक कथाओं में देखने को मिलता है। तो क्या हम अब भी इस बात से इनकार कर दे कि इनका वजूद कभी था? अब हमारे सामने सवाल खड़े होते हैं कि अगर इनका अस्तित्व था ही नहीं, तो फिर इनकी कल्पना प्राचीन काल से कैसे की जाती रही है? क्या ऐसा हो सकता है कि जिस चीज का वजूद ही ना हो, वो हमारी कथाओं का हिस्सा हो जाए? या फिर सच्चाई कुछ और है? जलपरी ऐसी जलीय जीव है जिसके शरीर का ऊपरी हिस्सा औरत का और निचला भाग मछली जैसा होता है। आइए पहले रूबरू होते हैं इनके बारे में प्रचलित कुछ दंत कथाओं से, जो इनकी वजूद की पुष्टि करती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जलपरिया सुरीली धुन में गाना गाकर इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करती थी, जिससे उनका ध्यान भटक जाता था। उनकी ध्वनि को सुनकर मनुष्य समुद्र जहाज से पानी में कूद जाते थे। कई बार पूरा का पूरा जहाज समुद्र की तह में समा जाता। कुछ ऐसी कहानियां भी प्रचलित है जिसमें जलपरिया डूबते हुए इंसानों की मदद करने के प्रयास में उनकी जान भी ले लेती थी, क्योंकि वो ऐसा प्रयास करने के दौरान ये भूल जाती थी कि मनुष्य पानी में सांस नहीं ले सकते। यदि हिंदू पौराणिक कथाओं पर नजर डालें, तो इनका जिक्र हमें महाभारत और भारतीय रामायण के थाईवो कंबोडियाई संस्करणों में देखने को मिलता है। थाईवो कंबोडियाई संस्करणों में रावण की बेटी सुवर्ण मच्छा का उल्लेख किया गया है, जो कि सोने की जलपरी थी। महाभारत के अनुसार अर्जुन की पत्नी उलूपी का भी जिक्र किया गया है जलपरी के रूप में। वो एक नाग कन्या थी जो पानी में रहती थी। इसके अलावा भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का उल्लेख भी देखने को मिलता है, जिनका शरीर का ऊपरी भाग मानव का और निचला भाग मछली जैसा था। असायरिया में 1000 ईसा पूर्व मिली जलपरियों की कहानी के बारे में कहा जाता है कि ये जलपरियों की पहली कहानी है। असायरियन की रानी देवी अटारगेटिस, जो सेमिरमिस की माँ थी, एक चरवाहे से बहुत प्यार करती थी, पर ना चाहते हुए भी उसे अपनी प्रेमी को मौत के घाट उतारना पड़ा। इस बात से वो इतनी शर्मिंदा हो गई थी कि उसने तालाब में छलांग लगा दी और एक मछली का रूप ले लिया। लेकिन जल भी उसकी खूबसूरती को छुपा नहीं पाया, और इस कारण उसका आधा शरीर पहले जैसा रह गया और नीचे का हिस्सा मछली की तरह हो गया। ग्रीक कहानियों में अटारगेटिस को डेरकेटो भी माना जाता है। एक मशहूर ग्रीक कथा के अनुसार अलेक्जेंडर द ग्रेट की बहन थेसालोनिक मरने के बाद एक जलपरी बन गई थी। जलपरी के रूप में दूसरा जन्म पाने के बाद काफी समय तक जीवित रही, और जब भी कभी उसके इलाके से होकर कोई जहाज गुजरती थी, तो वो हर नाविक से यही सवाल पूछती थी कि क्या महान अलेक्जेंडर जीवित है? जिसका सही जवाब था, वो जीवित है और विश्व पर राज करते हैं। यह सुनने के बाद वो बेहद खुश होती थी और जहाज को जाने का रास्ता देती थी। लेकिन अगर कोई उसके अनुसार जवाब नहीं देता, तो वो उस जहाज को उसके सवार सहित समुद्र में डुबो देती थी। अरेबियन नाइट्स, ये 1001 रात की कहानियों पर आधारित है। इसमें कुछ कहानियों में जल मानवों और जलपरियों का भी जिक्र देखने को मिलता है। इतने ही नहीं, एक जल मानव की कहानी के अनुसार इसके जो बच्चे इंसानों के साथ मिलन से हुए थे, वो इतने ज्यादा काबिल हुए थे कि वो बिना दिक्कत के पानी में भी आसानी से रह सकते थे। इसी प्रकार इस श्रृंखल में एक कहानी अब्दुल्ला द फिशरमैन एंड अब्दुल्ला द मरमैन है। इसके मुख्य किरदार अब्दुल्ला को पानी में सांस लेने की काबिलियत मिल जाती है, और वो तैरकर पानी की भीतर दुनिया में पहुंच जाता है, जहां धन की कोई कीमत नहीं होती। अन्य अरबियन नाइट्स की कहानियों में ऐसा कई सभ्यताओं का जिक्र है जो तकनीकी रूप से काफी उन्नत थी, परंतु अपने मतभेदों के चलते ध्वस्त हो गई। इसी प्रकार हम अगर प्राचीन चीनी कथाओं पर नजर डालें, तो पुराने चीनी दंत कथाओं में जलपरिया एक बेहद खास जीव हुआ करती थी, जिनके आंसू मोतियों में बदल जाया करते थे, जिस कारण मछुआरे इन्हें पकड़ने को कोशिश में लग जाते थे। लेकिन वो इतनी सुरीली होती थी कि अपने गाने से मंत्रमुग्ध कर मछुआरों को पानी के भीतर खींच लिया करती थी। अगर हम आए दिन समाचारों और सोशल मीडिया की खबरों पर नजर डालें, तो जलपरियों को देखे जाने के दावे समय समय पर किए जाते रहे हैं। ऐसा दावा करने वालों में जावा, पाकिस्तान, ब्रिटिश कोलंबिया और दो कनेडियाई घटनाओं तक को शुमार किया जा सकता है, जो वैंकूवर और विक्टोरिया के नजदीकी इलाकों में हुई थी। हाल फिलहाल में भारत के पोरबंदर के पास मधुपुरा गांव के पास समुद्र तट पर एक मरी हुई जलपरी मिलने की खबर सोशल मीडिया में काफी छाई हुई थी। घटनाएं काफी हुई है, लेकिन इन सभी में कितनी सच्चाई है, ये तो कहना मुश्किल है। अगर हम वैज्ञानिक व विशेषज्ञों की दृष्टि से देखें, तो मरमेड या जलपरी जैसी किसी भी जीव का कोई वजूद नहीं है। ये सिर्फ मनुष्य द्वारा की गई एक कोरी कल्पना है। मनुष्य की ये फितरत होती है कि जब तक वो अपनी आंखों से कोई चीज ना देख ले, तब तक उसके होने को लेकर वो असमंजस में रहता है। और यदि जलपरी का वाकई कोई वजूद है, तो वो एक ना एक दिन हमारे सामने जरूर आएगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल में आपको इस तरह की और भी वीडियो देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में।